शांति। ओम सुबह शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यूज ऑफ लाइफ सीरीज के इस प्रोग्राम में। इस वर्कशॉप आज वर्कशॉप है क्लैरिटी के ऊपर। आज जो है वो वर्कशॉप होनी है। एक मिनट के लिए हम अपने अंदर यह सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे क्लैरिटी के बारे में। एक मिनट साइलेंस में क्या मैं बुद्धि में स्पष्टता है? Can you reduce the music? We want to hear the comment. Okay. Sorry. It's okay. Next question is, am I able to be अगला clear? प्रश्न है कि क्या मैं स्पष्ट हूं अपने विचारों में? Of what my future will be. क्या मेरा लक्ष्य है कि मेरा आने वाला फ्यूचर, मेरा आने वाला कल कैसा होगा? And as all of us know, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्पष्टता जो है वो दिव्यता से जुड़ी हुई है, जो हमारे अंदर ही है। दिव्यता यानी बुद्धि की दिव्यता। आज के इस वर्कशॉप से और ज्यादा हम ये जानेंगे। बहुत सारी बातें हमारे अंदर स्पष्टता को बढ़ाने के लिए, जो मेरी दृष्टि को स्पष्ट बनाएगी और मेरे आने वाले कल को जो है वो स्पष्ट बनाएगी। चलें शुरू करते हैं। मैं आज ईस्ट कोस्ट यूएस से ज्वाइन कर रहा हूँ, पीस विलेज से। हमारे साथ सिस्टर अनु वैंकूवर से और सिस्टर जो हैं वो श्रुति जो हैं वो वेस्ट कोस्ट से यूएस की ज्वाइन कर रही हैं। ये जो दोनों ही हैं कि अथक सेवाधारी हैं और सभी रिकॉर्डर्स और जो इंटरप्रेटर्स जो हैं वो सारे अथक सेवाधारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस क्लैरिटी के प्रोग्राम में हैं जो कि 64 प्रोग्राम है। ये आइस ब्रेकर वीडियो है। इसमें बहुत ज्यादा पिक्चर्स नहीं हैं। As an audio format on clarity, it was too kiddish which I found. बहुत ज़्यादा audio मुझे नहीं मिला है इसके लिए, लेकिन हम देखते हैं कि कौन से insights आप share करना चाहेंगे इसे देखने के बाद। एक मिनट का वीडियो है। Clarity in life is essential for achieving our goals and living a fulfilling life. When we see clarity, we often feel lost and uncertain, which can lead to anxiety, stress, and even depression. Having a clear vision of what we want in life helps us make better decisions, set achievable goals, and focus on what truly matters. Clarity also helps us communicate effectively with others. When we are clear about our intentions and goals, we can express ourselves more clearly and avoid misunderstandings. This is especially important in personal and professional relationships, where clarity can help build trust and strengthen connections. Furthermore, clarity allows us to prioritize our time and energy. When we know what we want to achieve, we can focus on activities that will help us reach our goals and avoid distractions that are not aligned with our vision. In summary, clarity is crucial for living a purposeful and fulfilling life. It helps us make better decisions, communicate effectively, and prioritize our time and energy.
by cultivating clarity, we can achieve our goals with greater ease and enjoy a greater sense of satisfaction and fulfillment in life. Stop sharing. मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ. आपने सुना होगा इसकी स्पष्टता के फायदे. अब आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं. उसमें क्या लिखा था, उसमें क्या था, वो नहीं आप शेयर कर सकते हैं आपके क्या हैं. और हमारे पास 3-4 मिनट हैं, उसके बाद हम एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं. चैट बॉक्स में लिख रहे हैं. चलो ऑल क्लियर अबाउट द वर्कशॉप व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. आप लोगों को पता ही है कि हम वर्कशॉप में क्या करते हैं. आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं, थोड़ा समय है हमारे पास. सो ओवर टू सिस्टर अनु फॉर द फर्स्ट वन. थैंक यू. थैंक यू ब्रदर मनोज. थैंक यू ब्रदर. अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं. आज चैट में भी कुछ नहीं है. ओम शांति. आप सभी मेरे प्यार भरे नमस्कार ग्रीटिंग्स स्पष्टता के साथ स्वीकार करें. किस तरह से मैं अपना प्रेम और शांति आपको भेज सकता हूं और क्लैरिटी, इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता है, दिव्य बुद्धि की और दिव्य दृष्टि की. दिव्य बुद्धि से हम फरिश्ता बन सकते हैं, ऊंचा उड़ सकते हैं, और दिव्य विजित से, अपनी दिव्य दृष्टि से हम बहुत सूक्ष्म चीजों को भी देख सकते हैं, उनको अपने पास्ट को और फ्यूचर को भी देख सकते हैं. तो स्पष्टता का मतलब है कि हम दिव्य बुद्धि और दिव्य आंख का इस्तेमाल करें. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. मैंने क्या देखा है अपने आप में, जो वीडियो मैंने देखी है बहुत सुंदर है और वो पॉजिटिव है, हमारी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर अच्छा प्रभाव डालती है. हम अपना दिन बहुत सुंदर प्लान करते हैं, बहुत सुबह उठ के पूरे दिन के लिए, जो कि हमें शांत रखता है. पूरे दिन हम शांत रहते हैं, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट होता है जब हम अपने आप को स्पष्ट रखते हैं. तो हम फिजिकली और इमोशनली बहुत, मैंने ये ऐसा अनुभव किया है कि अगर मैं क्लियर हूँ, अपने प्लान बनाकर चलती हूँ पूरे दिन का, तो अंदर कोई घबराहट नहीं होती है. ऐसा मैंने स्वयं अनुभव किया है. थैंक यू. अगर आपके कर्म शब्द और एक से हैं, तो उसमें जो है वो आप स्पष्ट होते हैं. इन तीनों के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं. तो हमें जो बोलना, देखना और सोचना है वो एक जैसा हो, तो ये क्लैरिटी है. विजयपाल भाई ने कहा. अब हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. अनु सिस्टर, बहुत ही सुंदर वीडियो था, फायदे देखते हुए किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं और देख सकते हैं. जब हम ये देख सकते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, हम किधर जा रहे हैं, तो अब हम चलते हैं. पहली एक्सरसाइज जो है हम करेंगे, हम इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे क्लैरिटी के ऊपर. कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सहयोग देती हैं स्पष्ट बुद्धि के लिए. जैसे हम कार्य करते हैं, उसमें जो हमारी स्पष्ट बुद्धि है वो कैसे कार्य करती है.
व्यक्ति जो आप जिसको आप देख सकते हैं, जो आपको पता हो कि अपनी क्लैरिटी की वजह से उनको सफलता मिली हो, जो कि बहुत स्पष्ट है, इस बात के बारे में सोचें और हमें बताएं। कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा सफलता जिन्होंने प्राप्त की हो अपनी क्लैरिटी की वजह से। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें Let's take 1 minute to reflect. एक मिनट लेकर कि हम इस बारे में सोचते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सफलता स्पष्टता के आधार से मिली हो। तो हमें मैं समझती हूँ आप सभी ने ऐसी कोई क्वालिटी, ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर जो स्पष्ट बुद्धि है उन्होंने सफलता मिली हो, ऐसे आप शेयर करना चाहें, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं और चैट में भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप बोलकर शेयर करेंगे तो और भी अच्छा है, अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं। Nirmal says she's just listening. अपने आप में निश्चय और दूसरों का जब हम आदर करते हैं तो ये क्वालिटीज ही हैं स्पष्ट बुद्धि के लिए, स्पष्टता के लिए बुद्धि के अंदर। मनोज भाई कहते हैं कि जगदम्बा मदर सरस्वती जो वो बहुत क्लियर थी अपने गोल में, उन्हें पता था कि उनका क्या लक्ष्य है और क्या उनको प्राप्त करना है, उनका निश्चय पूरा पूरा परम पिता में था। जब हमारे पास ये क्लियर होता है हमारा गोल, तो हमारे अंदर स्पष्टता होती है। ब्रदर मैनुअल जो कि इंटरप्रिटेशन करते हैं पोर्टुगीज में, वो कहते हैं कौन सी बातें होती हैं उसके अंदर जो है सिंसियर हो, डिसिप्लिन हो। विजयपाल भाई कहते हैं कोई कर्म में, वचन में और संकल्प में कोई वेस्ट ना हो और सारे एक्शन कल्याणकारी हो, बेनेवोलेंट हो, सभी के लिए भलाई वाले कार्य हो। तो इससे हमें स्पष्टता आती है। इन बातों से जब हम स्पष्ट होते हैं तो हम अपने आप ही कल्याणकारी बनते हैं। विधि बहन कहते हैं, श्रुति बहन कह रही हैं, जो हमें डिसीजन जो है हम बहुत जल्दी ले सकते हैं अगर हमारी बुद्धि साफ होती है तो। जो भी हम सोचते हैं वो स्पष्टता लेकर आती है। रहना बहन कह रही हैं क्लैरिटी है जो कि सोच है मेरे लिए रोल है, वो मैं हूँ, मैं अपने आप को
को चेक करती हूँ और अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, दूसरों को दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम उनको देखते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये सबसे बात है कि क्या मैं अपने में देखकर अपने आप को अच्छा बना सकती हूँ, अपने आप को और क्लियर बना सकती हूँ। इसके लिए धैर्य, प्यार और सहनशीलता होनी चाहिए, स्पष्टता के लिए जो मेरी फेलो हैं और क्या लोग हैं कोलीग हैं, वो बहुत टाइम होते हैं, वो क्लैरिटी लेके आते हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं वो बिल्कुल राइट होते हैं। हमें जो है सबर, धैर्य और प्यार और सहनशीलता की जरूरत है। मौरिया सिस्टर पोर्टुगीज में लिखा है, जोएन सिस्टर कहते हैं, दैट इज अवर गॉड सबसे ज्यादा पवित्र है। वो उनको रोज हम मुरली में जो पढ़ते हैं वो कितने स्पष्ट होते हैं। थैंक यू जोएन बहन। एक जो है वो कन्विक्शन है, जिसके अंदर क्लैरिटी होगी उसमें कन्विक्शन होगा। पोर्तुगीज में हम पढ़ नहीं सकते, तो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार होंगे, साइलेंस की शक्ति को यूज करते होंगे, जिसके अंदर स्पष्टता की स्पष्टता होगी और वो शांत भी होंगे। क्लैरिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। ये हम वर्कशॉप में और जान सकते हैं, और बहुत सारे चैट हैं। ओम शांति। सभी ने सब कुछ शेयर किया है, लेकिन मैं कहूंगी कि स्वीकार करना जो है वो हमें स्पष्ट होने के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसी लता बहन, सिस्टर ओम शांति। सभी भाई बहनों ने जो है शेयर किया है। मुझे एक पॉइंट याद आता है लास्ट क्लास से, जो आशा दीदी स्पष्टता के बारे में बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जब दादी प्रकाशमणि जी जब वो सर्विस करते थे, प्यार और उसका प्यार और लॉ का बैलेंस बनाते हैं, तो खाली प्यार होना चाहिए। जब हम प्यार होता है हमें दूसरों के लिए, तो हम कल्याणकारी भावना होती है हमारे अंदर, कोई हमारे अंदर किसी के प्रति कोई जजमेंट नहीं होती। जब हमारे अंदर बहुत सारा प्यार होता है तो स्पष्टता स्वयं आ जाती है। थैंक यू। And benevolent, being benevolent. प्यार और कल्याणकारी भावना सभी के लिए। और कोई शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। तो स्पष्टता से उन्होंने लिखा कि जैसी चीजें हैं हम उनको वैसा देख पाते हैं। Not sure. It has to be in English. Okay, maybe she will not share, so somebody can mute her. Anyways, until she's not speaking, we are fine. Anybody else would like to share? कोई शेयर करना चाहेगा? हम एक शेयरिंग, एक आज शेयरिंग और ले सकते हैं। Yes, it is H.U. Tunde Dora. Yeah, she's raising her hand. Okay. Okay. Yeah. Okay. Kindly unmute yourself. It is done now, as I see. Yes. I think that to be able to. मैं सोचती हूँ कि स्पष्ट बनने के लिए या स्पष्टता लाने के लिए that I just was very busy when I was able to connect to you. And
picture is not very great at this moment, so sorry about that. Koi picture clear nahi hai aur maine jaldi se join kiya hai. We are not stable in our awareness, or we cannot keep in our awareness that. Agar hamari smriti mein ki main ek amar ajar avinashi atma hun aur main param pita ki hun. जो भी अजर हैं, अमर हैं, तब तक मैं अपने आप को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकती. और मन में जो है बहुत सारी वेस्ट थॉट्स आती हैं, जब तक हमारे में अपनी पहचान नहीं है और हम स्पष्ट तरीके से देख नहीं सकते जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है. थैंक यू. या यही सार है कि मैं कौन हूँ, इसी से सारी बातें पता लगती हैं. अगर नहीं तो हमारी क्लैरिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है और उसमें सफलता नहीं मिलती. तो एक अमर अमर आत्मा. और कोई शेयर करना चाहेंगे? क्लैरिटी का मतलब, स्पष्टता का मतलब एक साफ दिल, सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ प्रेम. अमल सिस्टर कहते हैं, गीता सिस्टर कहते हैं, क्लैरिटी किसी भी चीज को देखना बिना जजमेंट के, केयर्स के साथ और एक प्राइड के साथ, उनको सेल्फ एस्टीम के साथ देखना. बहुत सारे आइडियाज हैं हमारे पास और हम लास्ट वीक का हमें सेशन भी याद है और ज्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद हम एक्शन प्लानिंग भी करेंगे. ब्रदर दीपक, अगर आप वो जो शेयरिंग्स को कर सकते हैं. तो अपने आप में निश्चय और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वमान में रहना, अपने आप में निश्चय और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, अपने गोल्स में, अपने लक्ष्य में क्लियर होना, ड्रामा और जीवन की जो अभी बिना खुली हुई चीजें हैं उस पर विश्वास होना, परमात्मा पर विश्वास होना. जो भी पढ़ाई वाले व्यक्ति हैं और जो डिसिप्लिन हैं, जो उनके अंदर अनुशासन है, इसके वो गुण हैं स्पष्टता के लिए. किस तरह से हम अपने सोच में कोई भी वेस्ट नहीं लेके आते, बोलने में, सुनने में हमारे कार्य जो हैं वो कल्याणकारी होते हैं, तो रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं जब हमारे अंदर क्लैरिटी होती है, स्पष्टता होती है और हम बहुत अच्छे से अच्छा बन सकते हैं. जब अपने अंदर ये पता है कि मैं कौन हूँ और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, करते हुए कार्य को दूसरे सीनियर्स को देख के भी अपने आप को कंपैरिजन में खोना नहीं है. हमें दूसरों से प्रेरणा लेनी है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना, तुलना नहीं करना. प्यार, धैर्य जो है, सहनशीलता बहुत जरूरी है और साइलेंस, ये सबने शेयर किए हैं बातें. अपने मन को ट्यून करके परमात्मा से जोड़ना, रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट नहीं करना और अपने आप का ध्यान रखना और खुद ही अपने लिए मोटिवेशन रखना, ये सारा चैट में हमने था. और एक्सेप्ट करना और चीजों को देखना उसी तरह से जैसी वो हैं और वेस्ट से मुक्ति करना और हैं इसके अंदर, मैं क्लियर हूँ, बहुत राइट हूँ. अपने कार्य पर, अपने जीवन पर देखना अपने आप को कि क्या है ऐसी चीजें जो मुझे स्पष्ट बनाने में मदद करती हैं और मेरी स्मृति को स्पष्ट बनाती हैं. चीजों को देखना बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी अपने सेल्फ एस्टीम के साथ. अब हम अगली एक्सरसाइज
की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शेयरिंग्स के लिए। हमारे थोड़े से समय है मेडिटेशन के लिए, हम अगली एक्सरसाइज पर फिर चलते हैं। तो आप क्या एक्शन प्लानिंग करेंगे उसके लिए हम बाद में बात करते हैं, पहले हम मेडिटेशन करेंगे। थोड़े से मोमेंट हम साइलेंस में बिताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेक आपकी आंखों के सामने, कितना साफ स्वच्छ पानी है और सारा जो जो आकाश का रंग जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है पानी में। इसी तरह से जैसे हम वर्कशॉप शुरू करते हैं इस प्रश्न के साथ, अपने जीवन में लक्ष्य के ऊपर स्पष्टता और ये क्षमता, दो शक्तियों को जो एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई हैं, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, किस तरह से हम इन्हें अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। सो स्वयं को देखते हैं, हम एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा है। जब मैं अपनी तरफ देखना शुरू करती हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर एक ऊर्जा हूँ, सबसे पहली स्पष्टता जो हमारे मन में हमें आती है अपने आप के बारे में, आत्माभिमानी स्थिति के बारे में स्पष्टता आती है। और जब ये आती है पवित्र स्पष्टता, अपने बारे में, स्वयं के बारे में पता लगता है कि मैं कौन हूँ। मैं दूसरों को वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे वो हैं। There are different ways and संस्कार, मैं मुझे सहनशीलता आती है उन्हें उनके संस्कारों के साथ, उनको मैं सहन कर सकती हूँ। और मुझे पता है कि हर कोई इस ड्रामा में जो अपना पार्ट कर रहे हैं वो एक फिक्स है, निश्चित है। सो इन विचारों के साथ मेरी बुद्धि, अगर मेरा मन स्थिर है, ज्यादा बातें दूसरों के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के व्यवहार के बारे में, दूसरों के कर्म के बारे में नहीं सोचते, तो मेरे अंदर का जो संतुलन है, बुद्धि जो है वो संतुलन करती है, वो बना सकती है हर एक सिचुएशन में जो फायदे और नुकसान, बेनिफिट्स, और देख सकती है और एक सही निश्चय बना सकती है। जो भी परिस्थितियां आती हैं, मैं उसमें क्लियर और स्पष्ट रहती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए। इस के साथ वो ट्रैफिक कंट्रोल की जो आवाज है 10:30 यहाँ पर आ रही थी, बहुत लो वॉल्यूम था वो। अब मैं स्टॉप करता हूँ शेयर करना, अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्शन प्लानिंग की तरफ। सिस्टर श्रुति कराएंगी इतने सुंदर मेडिटेशन के बाद। थैंक यू मनोज भाई, इतने अच्छे शेयरिंग के बाद
हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. What we will do, इसमें हम क्या करेंगे कि वर्कशॉप स्टाइल से जैसे हम अपने आप में क्या कर सकते हैं जो हमारी स्पष्टता बढ़ जाए. हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, हमें उसके फायदे पता हैं. हमने स्पीकर वक्ता को भी आशा दीदी को सुना था. क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये स्पष्टता बढ़ जाए. हम थोड़े समय व्यतीत करेंगे अगले हफ्ते के लिए कि जो मैं कर सकती हूँ, क्या तरीके हैं जो मैं ऐसे अपना सकती हूँ जिससे कि मेरी क्लैरिटी और बढ़ जाए, मेरी स्पष्टता और बढ़ जाए. और मैं एक मिनट के लिए ये म्यूजिक लगाऊंगी और हम अपने आप में हम सोचेंगे. सिर्फ हमारे व्यक्तित्व के लिए ही होगा, अपने पर्सनल उसके लिए. तो हम सोचकर इसको बताते हैं. ओके, तो अगर आप अनम्यूट करके शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कि हमारे मन में ये जो क्लैरिटी है वो आ जाए. अब अपने मन को और बुद्धि को हम साफ रख सकते हैं. अपने आप को क्लियर रखें, साइलेंस में रहें, अपने आप को परमात्मा से जोड़ें. ये बहुत सुंदर है. मैनुअल ब्रदर कहते हैं कि अपने आप को ये ध्यान रहे कि मैं स्वराज अधिकारी हूँ. Yes, we'll just come to you in a second, or I think Sarabjit is wanting to unmute. Sarabjit behan unmute karke kuch bolna chahti hain. Unmuted. Okay, go ahead, Dora. We'll come back. So, I very shortly I would just. मैं ये कहूँगी बहुत ही छोटा सा कि पहली step है कि किस तरह से मैं व्यर्थ से बच सकती हूँ. जो भी डस्ट और वेस्ट हमारी तरफ आती है, अगर हम उसको बहुत गहराई से यदि साफ नहीं करते तो हमारे अंदर स्पष्टता नहीं आ सकती है.
तो हम कैसे कर सकते हैं? कभी कभी मैं अपने आप में ये पाती हूँ अपने जीवन में कि मुझे पता है कि इफेक्टिव मेथड क्या है, जो भी परमात्मा कहते हैं कि बाबा जो हैं वो लाइट हैं और माइट हैं, एनर्जी है, जो एनर्जी मेरी तरफ आ रही है और कोई इतना मैटर नहीं करती है बात मेरे अंदर। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि ये यही एक तरीका है कि अगर मैं अपने आप से बात करती हूँ, परमात्मा से जोड़ती हूँ, वही जो है स्पष्टता मेरे अंदर लेके आ सकता है। और मुझे बहुत ही आसान लगता है, सरलता लगती है अपने अंदर, और मैं फिजिकली भी ज्यादा कार्य कर सकती हूँ, और यही मैं कहना चाहती थी। My picture, sorry about that. But I can hear all of you. No, that's wonderful. I think the first thing is just the recognition that there is. सबसे पहले की पहचान कि बहुत सारी डस्ट है, जैसे डोरा बहन ने कहा, जो वेस्ट जो हमारे अंदर आता है उसको हमें साफ करने की जरूरत है। अपने आप को बिजी रखना है परमात्मा के लिए, और ये देखना कि मैं ब्राइट लाइट अपने ऊपर यूज कर रही हूँ। मैं चैट मैसेजेस देख रही हूँ। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शांति, सरबजीत बहन कह रही हैं और संगीता बहन, जब हम चीजों को स्पष्टता से देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो हमें क्लैरिटी आगे के लिए हो जाती है। जब हम अपनी स्थिति को अच्छी तरह देखते हैं, हम उसको और अच्छी तरह से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, और अगली बार हम जो चीजें करते हैं अपने जीवन में, जो लोग हैं या अपने जीवन को देखते हैं, जब हम इसका अनुभव करते हैं, तो मैं ऐसा मैंने अनुभव किया है। थैंक यू। वन परसेप्शन एनेबल्स मी टू क्लियर द कमिंग सिचुएशन मोर। जो आने वाली सिचुएशन है उसको परसेप्शन, मुझे उसका पता लग जाता है कि वो कितनी है, और आने वाली स्थिति और ज्यादा परिस्थिति मुझे क्लियर समझ में आती है। थैंक यू। तो इसका इफेक्ट नहीं है, जो एफर्ट नहीं है उस एक चीज के लिए नहीं, और अगले टाइम के लिए और उससे अगले टाइम में भी वो ठीक होती है। थैंक यू। यस, गो अहेड विजय भाई। ओम शांति विजयपाल भाई। स्पष्टता का मतलब पूरे पास्ट को पूरा स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप। जो भी चीज है उसको वैसे ही देखना, उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं करना, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं। स्पष्टता का मतलब है ईमानदारी, पारदर्शिता और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, स्पष्टवादी रहना, साफ मन, और स्पष्टता का मतलब है पवित्र दिल। थैंक यू विजय भाई। के पास हमेशा डीप कमेंट्स होते हैं, और कोई शेयर करना चाहेंगे? पवित्र दिल, साफ दिल। बहुत सुंदर शेयरिंग्स हैं। देवन कहते हैं ये सोचना चाहिए कि ये भी बीत जाएगा। अनु बहन कह रही हैं
मैं बहुत प्यार रहूंगी और अपने ऊपर बहुत उदार रखूंगी। जो भी बाहर से दुख या दूसरों के व्यवहार से मुश्किल आती है उसको मैं नहीं देखूंगी। मरलिसा कह रही हैं, मेडिटेशन करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना और रीडिंग बुक को, किताबों को पढ़ना, जैसे दादी जानकी थी, और अपने अंदर में साइलेंस को भरना। सिस्टर जयंती का नाम था, या इधर वे दोनों ही जो भी सीनियर्स हैं ब्रह्मा कुमारी के। लॉरा बहन कह रही हैं, अपने समय को ना वेस्ट करें दूसरों की तरफ देखने में और अपने आप को परमात्मा की कंपनी में रखें। संगीता बहन ने शेयर किया, गीता बहन कहती हैं, प्रभाव को देखना और उसके इफेक्ट को देखना। जो हम देखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, अपनी जो विवेक है वो बिल्कुल सच बोलता है। लास्ट शेयरिंग है, उसको हम शेयर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। So, वो डॉक्टर के हाथों से जब अपने अंदर स्पष्टता होती है तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी डॉक्टर के से ज्यादा अपने हाथ में आ जाती है। बहुत ही सुंदर शेयरिंग है। दीपक भाई, यदि आप शेयर कर सकें द समरी इसकी, जो बता सकें जो मैसेजेस हैं सारे। थैंक यू, बहुत सारी टाइपिंग आप करते हैं। जैसा हमने सुना, बहुत सारी शेयरिंग है। अपने आप से जुड़ना, अपने आप को आत्मा समझना, अपने मन को खाली रखना, साइलेंस में रहना और अपने आप को परमात्मा से जुड़ना, अपने आप को स्वराज के अधिकारी समझना, सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा, और ये सोचना कि ये भी बीत जाएगा, अपने आप को मैं बहुत ही उदार दिल हूँ, अपने साथ बहुत प्यार रखना, अपने जीवन को दूसरों के लिए समय नहीं खराब करना, दूसरों को देखते हुए दूसरों से कोई दुख नहीं लेना, वेस्ट को फुल स्टॉप लगाना, जैसे आप देख सकते हैं, अपने दिल को शांति से, प्यार से भरना और चीजों को देखना कि जैसे वो हैं। जब हम क्लैरिटी को देखते हैं अभी इस समय, तो आने वाली अगली चीजें और भी ज्यादा हमें स्पष्ट हो जाती हैं। जो भी आप अपने मन में डालते हैं, मेडिटेशन करना ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर, और साइलेंस का बार बार एक्सपीरियंस करना। ये सुंदर प्यारी शेयरिंग्स के बाद हम अगली एक्सरसाइज के लिए मनोज भाई की तरफ जाते हैं। बहुत ही सुंदर। दीपक भाई जो हैं वो इसमें बहुत सारा कार्य करते हैं। हमारे साथ सिस्टर ओल्गा हैं, जो कि पहले ही जून वो हमें पिछले 45 मिनट से देख रही हैं। मैं आपको वो समरी देता हूँ जो हमारी बहुत ही प्यारी आशा दीदी ने शेयर किया था चार्ली भाई के साथ में, जो पिछले हफ्ते बहुत ही सुंदर था। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसके साथ में कुछ नंबर्स हैं जो आए हैं चैट बुक्स में। अगर आप अपने एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस और जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सरबजीत, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हम आपको वो वीडियो भेज देंगे, तो कि आप देख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अपने ईमेल आप भेज सकते हैं हमें, अगर आपको मटेरियल चाहिए सिस्टर विधि और सिस्टर अनु को अपने ईमेल भेज सकते हैं। मैं शेयर कर सकती हूँ। थोड़ा सा हैंग हो जाता है।
तो अब हम शुरू करते हैं. जैसे आपने देखा कि हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाई है थोड़े दिन पहले, आज सिक्स्थ है, तो कल फिफ्थ को हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाई थी. सिस्टर पूजा उन्होंने स्लाइड बनाई है, ये बुद्धा का पोर्ट्रेट, तो ये क्लैरिटी को दर्शाता है. जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो मेडिटेशन करता है, एक प्रश्न और आतर में था, जो उसमें पहला प्रश्न था कि क्लैरिटी का मतलब क्या है. दीदी ने कहा जैसे चीजें हैं उनको उनके पवित्र स्वरूप में देखना और समझना, अपने अपने जो प्रस्पेक्टिव हैं उसके अंदर चूज नहीं करना, चीजों को एक्सेप्ट करना, उनको समझना, उनके पवित्र रूप में उनको देखना. किस तरह से हमारे अंदर ये क्लैरिटी आती है, जैसे हमने कहा मेडिटेशन में जब हम स्टेबल और जो साफ मन होता है वही स्पष्टता को लेकर आ सकता है. कभी कभी हम इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं दूसरों से, हम अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ, जो कि बहुत ही खतरनाक है. तो हमें इन चीजों से अपने आप को मुक्त रखना है. जो एक पवित्र मन है, मेरी सोच जो है वो बहुत साफ और पवित्र होनी चाहिए. जो हम अपनी मुरली में जो हमारी हमारी टीचिंग्स आती हैं, रोज डेली मुरली आती है, उसमें होता है कि वेस्ट चीजों को खत्म करें या जो बीता हुआ है उसके ऊपर हम बिंदी लगाएं. फिर दीदी ने कहा, दीदी ने डिटैचमेंट के बारे में कहा, यानी कि अपने आप को वैराग के बारे में कहा. तो हम देख सकते हैं फायदे और नुकसान दोनों ही देख सकते हैं जब हम अपने आप को अलग करते हैं. जो हम कमजोरी होती है हमारे अंदर, वो एक हमारी माया के रूप में हम उसको कहते हैं. ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये जो हमारी खुद की कमजोरी होती है उसी को माया कहते हैं. किस तरह से हम अपने आप को अलग रख सकते हैं, अप्रभावित रख सकते हैं. वो कहती हैं कि मैं खुद ही इतनी डिटैच, बहुत ही सीनियर हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने कहा कि वो अभी इतनी डिटैच नहीं है. लेकिन ये याद रखना अपने आप में कि ये बहुत जरूरी है. कुछ हमारे जीवन में इस तरह का हो रहा होता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो हम उसको एक ही तरह से देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है. तो हमें ये जो अपने अंदर ये आदत बनाने की जरूरत है कि स्वयं को अलग करके उस परिस्थिति से देख पाए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उस व्यक्ति से डायरेक्ट ही बात करूंगी जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं परमात्मा का निमित्त हूँ. अगर हम ये सोच कर करते हैं कि मैं परमात्मा की ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे लगा हुआ हूँ, उससे भी क्लैरिटी आती है कि ये एक ही परिवार है, इससे किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए. अपनी स्वमान में रहकर और दूसरों को भी हमें उनके उनको भी सम्मान देना है. ब्रह्मा कुमारी में हम कहते हैं, स्वमान कहते हैं, जो हम अफर्मेशंस बनाते हैं उसको हम स्वमान जो हम लेते हैं. अगर हम अपने आप को उस स्वमान की सीट पर, या स्वमान यानी कि अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट की सीट पर बैठाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हाईली पॉजिटिव होते हैं उससे हमें, और उसी तरह से हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था, और सेकंदा संगीता बहन ने, कि तो जो क्लैरिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हम नेगेटिव साइड ना लेके जाएं. तो एक प्रश्न पूछा था कि जब हम अपने आप को, वो डायरेक्टर हैं ओआरसी के, तो बहुत सारे लोगों से वो जुड़ती हैं, आप उनसे क्या कहती हैं, आप किस तरह से उनको समझती हैं और वो आपसे क्या कहते हैं. दीदी ने कहा कि दीदी ने दादी प्रकाशमणि के बारे में कहा, दीदी उनसे पूछती थी कि आप क्या करते हो, किस तरह से प्यार और लॉ का, लव और लॉ का बैलेंस बनाकर चलते हैं,
प्रेम और मर्यादा का, तो किस तरह से उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ प्यार ही रखना है। स्ट्रिक्टनेस से जो है वो आत्माएं दूर चली जाती हैं। इसलिए मैंने ये लेसन, दीदी ने कहा, मैंने लर्न किया है, मैं ये क्लियर हूँ कि वो क्या जानते हैं। मैं उनको बता सकती हूँ, लेकिन उनका ही डिसीजन होता है। अपनी बात को हम एडवाइस की तरह दे सकते हैं। वाइब्रेशंस तो जाते ही हैं एक दूसरे के लिए, जब हम खाली प्रेम के वाइब्रेशन ही भेजते हैं। एक और बात उन्होंने, दीदी ने कही इस प्रश्न के उत्तर में, हम सभी जो हैं आध्यात्मिक ऊर्जा हैं, हम बहुत अच्छी जीवन, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, अपने बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से हमें देखना होता है। वो कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, जो सच होता है वो ज्यादातर बहुत, कहते हैं हिंदी में भी, कि हार्श होता है, बहुत दुख देने वाला भी हो सकता है जब हम किसी से बात करें। हमें बहुत उदार और प्रेम के तरीके से कहना होता है जब हम ये स्लोगन पढ़ते हैं। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से और स्पष्टता और मीठे से मीठा भी बोलना है। जेंटल यानी कि उदारता हमारे मन में रहनी होती है। फिर दीदी ने पूछा कि दादी जानकी से पूछा, जो उन्होंने कहा मैं करूंगी जो आपने कहा, लेकिन वो मेरे दिल से नहीं होगा। अगर मैं किसी का सम्मान दिल से नहीं करती, अगर आप मुझे कहेंगी कुछ करने को, तो जो मैं नहीं करना चाहती अपने दिल से, तो वो आर्टिफिशियल होगा। तो दादी जानकी ने कहा, आशा, जो आप कर रही हैं वो आपके दिल से नहीं हो रहा, तो आप उसको ना करें, आप उस व्यक्ति से बात ना ही करें। जो भी हमारे अंदर क्लटर है, व्यर्थ है, उसको समाप्त करना। अगर हम बहुत सारा बैग और बैगेज लेकर चल रहे हैं, किसी ने कुछ हमारे साथ किया या कहा, वो हमारे साथ है, तो हम हमारे अंदर व्यर्थ की तरह है, तो हम स्पष्ट नहीं हो सकते। तो हमें अपने वाइब्रेशन को भी क्लियर करने की जरूरत है। फिर दूसरा प्रश्न था, लोग जो है वो सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं हमारे साथ। फिर दीदी ने कहा, बहुत सारी वैल्यूज हैं, जिसमें कि पारदर्शिता है, ईमानदारी है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस एक्सेप्टेंस यानी कि हमारे अंदर स्वीकारता का गुण है। तो इसलिए फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन था, लोगों को ये नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं, और बहुत समय इधर उधर व्यर्थ करते हैं। उनसे आप, उनको आप कैसे क्लियर बता सकते हैं जिनको ये नहीं पता। तो दीदी ने कहा, मैं बिल्कुल डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हूँ। वो उनसे कहो कि बिल्कुल सच है, वो बताओ। फिर मैं बहुत ही उदार तरीके से उनको कहती हूँ। अपनी जो आंतरिक, जो मेरे वाइब्रेशंस है, वो बहुत क्लीन होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उनसे कहा कि वो जो भी कहना चाहते हैं उसको वो रिपीट करें, ताकि मैं उसको अच्छी तरह से समझ सकूं। तो उनके समय को वो रिस्पेक्ट किया जाए, अगर आपका कोई समय व्यर्थ कर रहा है तो। इसलिए फिर दीदी ने कहा ये कि मैं ट्रस्टी हूँ उससे इस में, तो किस तरह से मुझे साइलेंस मिलता है परमात्मा के लिए। तो मैं ट्रैफिक कंट्रोल फॉलो करती हूँ, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें होता है, जिसमें हर घंटे के बाद हम एक मिनट का पॉज लेते हैं और अपने आप को अपनी शांति में लेकर जाते हैं, मौन हो जाते हैं और अपने आप को एक्सेस करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं विचारों के। तो ये हमारे लिए बहुत मदद होता है, मन जो है वो स्टेबल हो जाता है और हम चीजों को देख सकते हैं ज्यादा स्पष्टता से।
तो मैं अपने समय से आगे चला गया हूँ, 3 मिनट है। वहाँ पर एक डॉक्टर की बात कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा बहुत शॉर्ट टेम्पर थे और वो अपनी सर्जरी में बहुत अच्छे थे, वो प्रॉपर डिसीजन ले पाते थे अपने समय पर। तो दीदी ने कहा उनके अंदर गुस्सा था लेकिन वो कैसे स्पष्ट डिसीजन ले पाते थे। तो ब्रदर चार्ली ने कहा आप कार्य तो अच्छी तरह से कर सकते हैं लेकिन आप उनका स्नेह आपको नहीं मिलता जब तक कि आप जो है शांत तरीके से कार्य नहीं करते, वो आपका खो जाता है। तो दूसरों से सम्मान भी नहीं मिलता, जो कि वो जो नर्सेस को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो इसके बारे में उन्होंने कहा और उसको डिसरिगार्ड करते हैं। फिर अगला प्रश्न था, क्या मैं स्ट्रिक्ट और उदार एक साथ ही हो सकता हूँ? तो ब्रदर चार्ली ने कहा हाँ, क्योंकि 80-90% जो है वो कम्युनिकेशन हम बातों से नहीं करते हैं। अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को भी रिसीव करते हैं। तो जो आपके वाइब्रेशंस हैं वो ज्यादा बात करते हैं लोगों से। फिर आशा दीदी से हमने प्रश्न पूछा था, अगर कोई जो है वो इधर उधर घुमा फिरा कर बात कर रहा है तो उसके साथ कैसे डील करेंगे? दीदी ने कहा कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगी कि आप उनसे कहें कि आप अपना अपने पॉइंट पर आए, जो आप कहना चाहते हैं वो ही कहें। फिर मैं उसको ड्रामा के पॉइंट पर ही छोड़ देती हूँ कि कोई ना कोई बात तो उसकी ड्रामा में से उसकी बातों से समझ में आएगी। फिर भी उनके लिए वो सम्मान मेरे मन में हमेशा होता है। तो ये सुंदर वाइब्रेशन जो है वो मेरी तरफ से उनके पास जाती है, तो वो व्यक्ति अपने आप में सोच कर देखता है, तो अपनी बातों में उसकी और स्पष्टता आ जाती है। मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। सिस्टर ओल्गा ऑलरेडी हमारी वेट कर रही हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। इससे पहले कि हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपसे, हमने सिस्टर ओल्गा को चुना है। सिस्टर ओल्गा जो हैं वो उस जगह से जुड़ी हुई हैं जो कि यूक्रेन है, हमें वहां नहीं जाना है, लेकिन उनके अंदर कैसे उन्होंने क्लैरिटी को, स्पष्टता को बना कर रखा हुआ है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे सामने। बाहर जो है वो बॉम्बिंग वगैरह हो रही है, इस तरह में किस तरह से वो, तो हमें बहुत सारी वो इस बात के बारे में टिप्स देंगे। मैं उनके बारे में, साइबेरिया और यूक्रेन में ये इनका जन्म हुआ था, ये आप इन कंट्रीज को ज्यादा अच्छे से हम जान गए हैं। पिछले 27 सालों से ये वहाँ रह रही हैं। ये मॉस्को से टेक्सटाइल एकेडमी से ग्रेजुएट हुई थी, इन्होंने फाइन आर्ट्स, ग्राफिक्स और फाइन आर्ट्स में स्टडी की है, और ये ब्रह्मा कुमारीज का पार्ट, 30 सालों से ज्यादा ये ब्रह्मा कुमारीज का पार्ट बने हुए हैं। 1992 से ये पूरी तरह से इन्होंने समर्पित कर दिया था अपने आप को, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारी की। तो ये यूक्रेन में ब्रह्मा कुमारीज के एमसी की तरह से कार्य कर रही हैं। ये रीजनल मेंबर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, और ये काउंसिल है के मेंबर भी हैं, और हम सभी जानते हैं कि अलग अलग सिटीज यूक्रेन की जो सारी न्यूज आ रही है, हर सिटी में क्या हो रहा है हमें पता लगता है। तो अब मैं पोएम से इनका स्वागत करूंगा। आज हमारे साथ सिस्टर ओल्गा हैं जो हमें यूक्रेन से ज्वाइन कर रही हैं। ये उस जगह से हैं वहां पर दुख जो है, दर्द लड़ाई का है, लेकिन वो सभी के ऊपर जो है शांति का की बरसात कर रही हैं और लोगों को दुखों से निकाल कर सुख दे रही हैं। अपने प्यारे और सुंदर व्यवहार से बार बार वो
कह रही हैं कि ये समय भी निकल जाएगा, पास हो जाएगा, और अपने मन को वो शांत बनाकर हील करके, क्योंकि लड़ाई से तो कुछ भी मिलता नहीं है, तो ये स्पष्टता कि किस तरह से हमें क्या प्राप्त होना है, वो कहती हैं कि आध्यात्मिकता और दिव्यता जो है सिर्फ परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि भविष्य के लिए हमें ये मेंटी हमें ये कि हमें इस दुख और दर्द को कैसे लोगों से निकाल कर लेकर जाना है। हम सिस्टर ओल्गा को कहते हैं, वो अब बात करेंगी। हम आपका मिलियन टाइम्स थैंक्स करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं अपना समय निकाल के। थैंक यू मनोज भाई, आपके इतने सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए और कविता के लिए। मेरे लिए सरप्राइज था ये, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ हूँ। इस स्पष्टता के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा है, इतनी अच्छी तरह शेयरिंग हुई है कि मेरे लिए क्या रह गया है बोलने के लिए। मैं जो है कुछ बातें तो रिपीट ही करूंगी, जैसे मैं समझती हूँ कि स्पष्टता जो है एक ऐसा गुण है जो कि हम लोगों के लिए विशेष तौर पर बहुत जरूरी है इस समय, जहां पर ये अनसर्टेनिटी का टाइम है, जहां पे कुछ भी निश्चित नहीं है। इस गुण के ना होने के कारण जीवन में अगर ये गुण नहीं है, मुझे याद आता है कि पहला दिन जब था यूक्रेन में जो लड़ाई शुरू हो रही थी, ये लड़ाई जो है यहाँ पर 1 साल 3 महीने से चल रही है, ये भी नहीं पता किसी को कि ये कब खत्म होगी। जो लोग हैं वो साथ में इस अनसर्टेनिटी में जीने के को अपने आप को यूज टू बना लिया है। जब ये नहीं पता कि हमारा आने वाला हमारा कल कैसा होगा, मुझसे कहा गया कि आप कुछ कर सकती हैं रीजन में या इंटरनेशनली। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ कर पाऊंगी 3 महीनों में, कि जैसे आप कहीं जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा मैं हम यहाँ पर ही रहते हैं, हम अपना so sure or certain जीवन के लिए 1 साल पहले की बात है। एक सुबह जब हम सुबह उठे, हमने देखा कि हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल गया है, जैसे लड़ाई ने पूरा जीवन को बदल दिया था, पूरे देश की जीवन को। हमें ये नहीं पता था कैसे, लेकिन हमें ये तो पता था कि हमारा जीवन, ये पता था कि पहले जैसा नहीं हो पाएगा। जैसे आपने कहा, हम अपने आप को बचा पाए, जैसे इस पास 3 सालों में 2 सालों से हम यही हो आशा कर रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगी, हम अपने पुराने जीवन में पहले की तरह जैसे हम जी रहे थे उसमें पहुंच पाएंगे। लेकिन इस देश में ऐसा दोबारा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि काफी लोग जो हैं
जिन्होंने अपना जीवन दिया आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए, वो समझते हैं कि ये जो है सब कुछ कितना बदल गया है, ये फिर से दोबारा पहले जैसा नहीं होगा। अगर लड़ाई खत्म भी हो जाती है तब भी हमारा जीवन पहले जैसा सामान्य नहीं हो पाएगा। और उस दिन, उससे एक दिन पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी, बहुत लोग वो कहाँ जा रहे थे जो उन्होंने प्लान किया था, और वो देख रहे थे कि उनका जो आने वाला कल है वो, लेकिन अगले ही सेकंड क्या हुआ, जब उन्होंने देखा, उन्होंने जब लड़ाई के बारे में सुना, उनका जो फ्यूचर था वो बदल गया। फिर हम बहुत ही सभी डिस्टर्ब हो गए। अभी तक भी हमें ये समझ में नहीं आया कि कैसे। तो ये जो अनसर्टेनिटी सी, तो हर व्यक्ति इस देश में इस लड़ाई से प्रभावित हुआ है किसी न किसी तरह। किस तरह का वातावरण यहाँ बना हुआ है लड़ाई के बाद, किस तरह का यहाँ वातावरण बन गया है। ये जो पूरा एरिया है 6,000 किलोमीटर का है, यानी पूरी कंट्री जो है, यही प्रश्न बार बार उठता है कि हमारे साथ अब क्या होगा। उनके सभी के मनों में ये बात चल रही है। 20 करोड़ लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि कितना जो एटमॉस्फेयर है, जो ऐसी सभी सोच रहे हैं, कितना जो है कैसा माहौल बन गया है कि इस डर में और अनिश्चितता में हम जी रहे हैं। कुछ लोग जो है वो लोग देखने लगे कि ये पॉलिटिकल लोग, राजनेता क्या कह रहे हैं, लोग जो हैं किसी भविष्य बताने वालों के पास चले गए कि ये कब ये खत्म होगी, और अपनी चीजों को भूलते वो लोगों ने 10-12 घंटे तक ट्रेवल किया क्योंकि उनके पास, क्योंकि ट्रेन में कोई जगह नहीं थी, तो वो वहां पर पहुंच गए। तो वो लगेज को अपने छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उनके सूटकेसेस के लिए तो जगह ही नहीं थी अपने ट्रेन पर लेकर जाने के लिए। लोग भागने लगे, एक बहुत ही ज्यादा मैस बन गया था, जैसे सुनामी की तरह लहरें होती हैं एक के बाद एक। मैं सभी की हिसाब से तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे सभी जो स्टूडेंट थे, जो ब्रह्मा कुमारीज के मेंबर थे, ये हम उसको थैंक्स कहते हैं जो हमारी आंतरिक अवस्था है शांति की, जो कि हमने प्राप्त की है अपनी जो ये आध्यात्मिक यात्रा करते हुए, हमने अंदर की स्थिरता को प्राप्त किया है। हम दूसरे लोग जो हैं वो भी हमसे काफी प्रभावित हुए, उन्होंने हमें फोन किया, उन्होंने मैसेज किए और पत्र भेजे कि उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें देश को छोड़कर चले जाना चाहिए, हम सब देश छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें भी छोड़कर चले जाना चाहिए। वो बहुत ज्यादा हमारे लिए चिंता कर रहे थे, हमारी हमसे भी ज्यादा। जो ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात की, यहाँ पर भी और बाहर भी, उन्होंने उनको कहा कि जितना जल्दी आप कंट्री को छोड़कर जा सकते हैं, देश को छोड़कर चले जाएं।
वो लोग बहुत ज्यादा इस बात की चिंता में थे कि क्या होगा, तो जो बाहर के जो सेना है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगी सबको, उनको ये पता है कि उन्होंने पिछले युद्ध में भी इस तरह से किया था, तो यहाँ पर बहुत तरह का डर था, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे थे और हम इसको समझ रहे थे क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट था इस समय पर स्पष्टता को बनाए रखना, बिना स्पष्टता के ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था कि हम सही डिसीजन ले पाए कि जाएं या रुकें, किस तरह से अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अगर हमने कोई ये आध्यात्मिक प्रयत्न ना किए हुए होते ये समय आने से पहले, तो हम किस तरह से इसमें अपने आप को सरवाइव कर पाते या इस परिस्थिति से निकल कर आ पाते, हमारी जो मेंटल स्टेज होती और जो हमारी भावनाएं होती, वो हर कुछ जो हमारा आंतरिक मन है या आंतरिक दुनिया जो है वो कितनी डिस्टर्ब हो गई होती। तो क्लैरिटी इस समय में, स्पष्टता, हम इसको क्लियर देख पा रहे थे कि अभ्यास के साथ अभ्यास किया हुआ है कि किस तरह से हम क्लैरिटी को पा सकते हैं और उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। मैं कहूंगी कितनी तरह की क्लैरिटीज हमारे में है जो हमने उसका अभ्यास किया है। हमें ये देखना है कि क्लैरिटी की डेफिनेशन क्या है। मेरे लिए सबसे पहले स्पष्टता का मतलब है सच्ची स्टेज को देखना, जैसी चीजें हैं, और स्पष्टता से समझना कि कहाँ आगे जाना है। अगर हमें कोई भी निर्णय बनाना है तो हमें कहाँ जाना है, तो हमें देखना था कि स्पष्टता के अलग अलग बातों को हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले स्पष्टता जो है वो दृष्टि में और हमारे दृष्टिकोण में किस तरह से आती है, एक बिल्कुल साफ पिक्चर को देखना अपने आप में कि आप देख सके कि क्या हो रहा है और आप क्या सुन रहे हैं, और अचानक एक साफ पिक्चर आपके अंदर आती है। तो एक दृष्टि का आना, जैसे एक साफ दिन पर जो सूरज की रोशनी आती है और आपके पास लेंस होता है, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। कोई क्लाउड्स नहीं है जो पिक्चर को छुपा रहे हैं, तो देखना एक क्रिस्टल क्लियर की तरह कि क्या हो रहा है, और सब कुछ हमें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा हो। मेरे लिए ये अलग था कि चीजों को मैं कैसे देख पा रही हूँ। तो ये जो क्षमता थी हर चीज को, चीजों को सार में देखने की, मैं कहूंगी कि जिस प्रॉब्लम और चीजों से हम घिरे हुए हैं उसमें किस तरह से देखना इसको स्पष्टता से, तो ये बुद्धि की बात है, और क्लैरिटी जो है वो मन में होती है। Instantly catch the essence of what is happening.
तो इस सार को समझ लेना कि ये क्या हो रहा है। क्लैरिटी का मतलब है कि एकदम से ये समझ में आ जाए, पूरी पिक्चर पूरा आपको पता लग जाए कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि एक अपने आप में रिविलेशन और क्लैरिफिकेशन हो रहा है, तो मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा है और जैसा वो है वो मुझे समझ में आया, तो इससे मन जो है वो बहुत शक्तिशाली बन गया और उसमें कोई भी कंफ्यूजन और डाउट्स नहीं रह गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं तो वो आपको बताते हैं, वो बोलते जाते हैं, लेकिन आप उनसे कहते हैं कि कम टू द पॉइंट, तो आपको वो बात तो समझ में नहीं आती। जब वो बात करते जाते हैं तो आप समझ पाए कि उनकी परेशानी की वजह से तो आपकी प्रस्पेसिटी कार्य करती है, इसमें आप उस पिक्चर को देख पाते हैं तो उसका आप रास्ता जो है वो पूरी तरह से समझ पाते हैं और आप उनको एक करेक्ट और एक्यूरेट यथार्थ एडवाइस सलाह दे पाते हैं। तो ये है क्लैरिटी मेरे लिए, और स्पष्टता का मेरे लिए मतलब है कि जैसे मुझे समझ में आता है कि आज और कल, जो आने वाला कल है, अगर आप एक बड़े पिक्चर के रूप में इसको देखते हैं, इसमें बहुत सारे डिटेल्स आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि इसको समझना होता है, इस ये निश्चय के बराबर में है। तो स्पष्टता का मतलब है कि मैं सोचती हूँ कि जब आप स्पष्टता को चाहते हैं तो हमें अपने आप को तैयार करना होता है कि चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही देखें, ताकि बाद में हमें कोई निराशा ना हो। क्योंकि आपने देखा तो जो पिक्चर आपने अपने मन में बनाई है वो रियलिटी के जो है उसके साथ मिलती जुलती नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल समय है जब आप ऐसे समय से निकलते हैं कि जैसे आपकी दुनिया खत्म हो रही है और आप बिल्कुल अंत की तरफ खड़े हुए हैं। आप इतने साल जो हैं खुश रहे हैं और हर्षित रहे हैं और आप उसकी वास्तविकता के साथ जिए हैं, लेकिन अब हम अलग एक बात के परेशानी से निकल रहे हैं, जैसे क्योंकि दुनिया को हम देख रहे हैं तो हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ, हमारी पॉजिटिव सकारात्मक सोच की तरफ कार्य करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज में आपके प्रेजेंस होने से वो आपको बहुत अच्छी तरह से इज्जत मान से रिस्पेक्ट करते हैं और अपना प्यार जताते हैं। जब आप दूसरों के रूप के पास जाते हैं, क्योंकि जब उनके अंदर ये मन में होता है तो आप ये देख सकते हैं कि उनमें सच्चाई का भाव है। इस ऐसे क्राइसिस में भी, जिसमें की सारी वाइब्रेशंस जो हैं वृत्तियों की डर की होती हैं, that may have
हम ये नहीं सोच पाते कि दूसरों की जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला रहा है, तो जो स्पष्टता है वो दृष्टिकोण की, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात है। और उसके बाद निर्णय की स्पष्टता कि मैं कि हमें ये बहुत प्रिसाइज डिसीजन लेने होते हैं, समय भी व्यर्थ नहीं करना होता अपने आप का व्यर्थ में, और सही करने में, चीजों को, परिस्थितियों को बदलने की मेहनत करने में, और पश्चाताप में कि हम नहीं कर पाते या हमने नहीं करना चाहिए। तो जो स्पष्टता है तो ये लक्ष्य की प्रैक्टिस करके ही ये गुण आ पाते हैं। जब हम लक्ष्य को देखते हैं तो निर्णय लेने के लिए उस साफ तरीके से समझ के आधार पर कहाँ पर जाना है और क्या करना है। तो जैसे हम कहते हैं जाना, घूमना और आना, तो पहली क्लैरिटी क्या है? कि क्या करना है? जब हमारे लक्ष्य का हमें पता होता है और हमारी जो इच्छा होती है बुरे डायरेक्शन में जाने की, मेरे लिए जैसे इसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी लोग जो हैं वो इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण, आध्यात्मिक तौर पर यदि देखें तो अगर हमारे मन में इच्छा है और स्पष्टता है तो हमारे अंदर वो बल आता है, आंतरिक बल आता है जो हमें मदद करता है कार्य को करने में, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो ये शक्ति आती है। अगर ये यहाँ से नहीं आया तो ये परमात्मा से आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो क्लैरिटी हमारे लक्ष्य में, हमारे निर्देशन में और हमारे डिसीजन में, जो अगला पार्ट है क्लैरिटी का, जैसे मैंने ज्यादा इस बारे में मुझे कार्य किया तो मुझे पता लगा है this aspect of clarity is important for our life if we want to have good relationships. And this is clarity of expression and communication. ये clarity है अपने expressions को, अपने आप को express करने के लिए, अपने आप को जब हम अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने आइडिया, अपने विचारों को बताते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सर्टेनिटी होती है वो हमें इस समय बीतने में मदद करती है। कम पारदर्शिता होने के कारण हम सिचुएशन को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। एक व्यक्ति जो है वो इन चीजों से अपने आप को बाहर निकाल करके सोचता है तो जो पूरी पिक्चर है क्या वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है? तो हमें सिचुएशन को देखना होता है
और जो दूसरे तरीके से देखते हैं, तो और क्या कहा जा सकता है? जैसे प्रीवियस सेशन में कहा गया कि मेरी जो मैं भी जो कर रही हूँ उसमें अपने आप को देखती हूँ कितने जो हैं, जैसे ये किस तरह से मन जो है वो बिल्कुल साफ है और दूसरे उस मन को किस तरह से देख पाते हैं। अगर हम ये इसकी स्पष्टता की गुण को जो है अपने अंदर धारण करने की बात कहें, तो ज्यादातर क्या होता है कि ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है, जो क्लैरिटी है सच में, जिसमें की क्षमता दूसरी चीजों को एज इट इज देखने की, वो हमें ये कहते हैं कि वो चीज वहां पर है या नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल साधारणता से वो उनके मन में स्पष्टता होती है, उनके डिसीजन में स्पष्टता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लोग हैं जो जिसके अंदर स्वाभाविक जो है वो विवेक होता है, विजडम होती है, उनकी ये अपनी ही गुण होता है, उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की होती है। वो आध्यात्मिकता को पढ़ नहीं रहे होते, लेकिन उनके अंदर स्वाभाविक तौर पर ही अपनी ही उनका गुण होता है स्पष्टता का। वो ज्यादातर सफलता मिली होती है उनको अपने जीवन में, बिजनेस में या अपने संबंधों में। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जैसे किसी में बहुत कम ऐसी क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो हम अपने अंदर नहीं विकसित कर पाते, जो गुण हैं, ऐसे कुछ गुण होते हैं जो अपने आप में हम उनकी धारणा नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर धारणा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो हमारी आंतरिक गुण हैं और मूल्य हैं, वो जो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं और गुण हैं, शांति, सुख, प्योरिटी, पवित्रता, ये सारे हमारे अपने गुण हैं। अगर मैं उनको कॉन्स्टेंटली अपने अंदर जगा कर रखती हूँ, और उनको लगातार जगाते रहती हूँ, तो वो जागे हुए रहते हैं। मैं अपने मन को अपने मन में ये सोचती हूँ, जो हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, राजयोग मेडिटेशन में, तो और जो सभी गुण हैं और मूल्य हैं, वो भी आते हैं। My battery is low. I'll be back. मेरे फोन का बैटरी कम है, तो मैं उसको चार्ज करके आती हूँ। Well, our qualities, तो जो हमारे गुण हैं बहुत सारे हैं,
जो कि हम धारणा में ला सकते हैं. किसी भी पॉजिटिव किसी भी गुण की जो का आधार है वो हमारा व्यक्तित्व है. कोई भी गुण या मूल्य जो है जो हमारी अपनी वास्तविक क्वालिटीज हैं वो हमारे गुण हैं आत्मा के. मतलब जब समय पर जरूरत पड़े उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं और उसको हमें डेवलप करना है, उसको इम्प्रूव करना है समय अनुसार. जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटी थी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, अपनी पढ़ाई करते हुए मैं आर्ट्स और फैशन पढ़ रही थी. मैं क्रिएटिव और फ्री लोगों की कंपनी में थी, लेकिन मैं ऐसा महसूस करती थी कि जैसे मेरे अंदर डर तो नहीं कह सकते थे, लेकिन अनकंफर्टेबल फीलिंग थी. मैं अपने जीवन में वो देख रही थी कि ये वो रास्ता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था दुनिया का. तो फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जाना शुरू किया. तब से सब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पष्ट होने शुरू हो गईं, ना सिर्फ मेरे जीवन के बारे में, लेकिन जो मेरे आसपास सब कुछ हो रहा था वो भी बहुत मुझे क्लियर होने लग पड़ा. और मैं देख पा रही थी तो किस तरह से जो है ये बढ़ती जाती है. और हर समय जब भी मैं अपने पिछले अनुभवों में देखती हूँ, और मुझे बहुत ही हैरानी होती है इस बात पर कि मैं उन चीजों को पहले बिल्कुल भी क्लियर नहीं देख पाती थी. तो ये जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्टडी का, आध्यात्मिक ज्ञान का जो रोल है वो हम देखते हैं कि मैं इसको पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ इतने सालों में मेडिटेशन राजयोगा में, जो हमें जोड़ता है हमें परमपिता परमात्मा से, जो कि एक अविनाशी लाइट है, कि हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है. तो उसका शुक्रिया इस आध्यात्मिक पढ़ाई का कि हम बहुत ज्यादा क्लियर पहले से देख पा रहे हैं हर चीजों को. मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं इन चीजों को बहुत ही क्लियर देख पा रही हूँ. और इस हम एक और तरह से स्पष्टता को, इस गुण को हम समझ सकते हैं कि धारण कर सकते हैं. हमें आंतरिकता से देखने की जरूरत है. हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो किस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे मन में, हम देखते हैं कि हमारे मन में एक तरह का ऑर्डर है, उसमें कोई मेस नहीं है. एक व्यक्ति क्लियर देख सकता है अपने भाव भावनाओं को, अपने विचारों को. तो आपको ज्ञान है कि वो कौन से हैं और आप पूरे माइंडफुल रहते हैं उनको देखने में. और जो अननेसेसरी अनावश्यक चीजें हैं उनको आप हटाते जाते हैं. और विचारों की एकाग्रता से जो स्पष्टता है उनका सोच है, जो ये जो कि लॉजिकल, जिनकी इंट्यूटिव एबिलिटीज होती हैं,
एक लॉजिकल अप्रोच है इसकी, तो हम बीच का रास्ता लेते हैं इन दोनों में से. कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए जिससे कि हम अपने आप को और भी स्पष्ट कर सकें, ताकि हम इस जीवन, इस यहाँ पर अपना जीवन को जी पाएं, यहाँ पर सरवाइव कर पाएं. कोई भी स्टेप लेने से पहले ये बहुत आवश्यक होगा कि हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या रिस्क क्या है, क्योंकि स्पष्टता से हम देख सकते हैं. क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए हमें साहस होना चाहिए. वो हमें स्पष्टता मतलब कि उस चीजों को वैसे ही देखना कि जैसी हैं, उसके लिए हमें साहस होना चाहिए और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए कि दुनिया जो है वैसी नहीं है जैसा हम उसे समझते हैं. स्पष्टता जो है वो अपने सही मतलब को दर्शाती है. शायद हम, अगर हम सच को देखें कि, इसलिए हम में से कुछ जो हैं वो कभी कभी हम इतने क्लियर नहीं हो पाते, उसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वो ड्रामेटिक भी हो सकती है, क्योंकि हम तैयार नहीं होते सच को फेस करने के लिए, सच का सामना करने के लिए. हमें नहीं पता होता कि चीजें इस तरीके से होंगी जो कि हमारी इच्छाओं के साथ नहीं मिलती हैं. तो हमें वो साहस होना चाहिए सच को का सामना करने का. तो सबसे पहले हमारे लिए साहस होना बहुत जरूरी है स्पष्टता को देखने के लिए. जो साहस है जो क्लैरिटी है वो ईमानदारी के साथ भी जुड़ी हुई है, अपने आप के साथ ईमानदारी. तो हमें ये चेक करना होगा, हमारे भावों की जो पवित्रता है उनको देखना होगा. कभी कभी क्या होता है कि स्पष्टता का मतलब, जो स्पष्टता है वो दूसरों के लिए खतरनाक भी हो सकती है. जब आप क्लियरली पिक्चर देख लेते हैं और आप उसको ट्रांसलेट करते हैं दूसरों को, आपकी जो सही समझ है वो दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन और वो उसको शायद पचा भी ना पाए और वो उसको स्वीकार भी ना कर पाए. वो आपको रेजिस्ट करते हैं, उनको अनकंफर्टेबल कर देती है. वो चाहते हैं कि वो उस अस्थिरता वाली जगह पर, अनिश्चितता वाली जगह पर ही रहें. जब आप उनकी स्पष्टता को देख पाते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और क्या होना है और अगले आगे क्या होगा अपने जीवन में. वो ज्यादातर समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. मुझे एक कहानी याद आती है. मुझे बहुत साल पहले कहा गया था कि एक हमारे जो सीनियर टीचर थे ब्रह्मा कुमारी में, वो बहुत ज्यादा बीमार थे. उनको हमने बहुत ज्यादा केयर और मेडिकल केयर प्रोवाइड की. वो हॉस्पिटल में थे जहां पर उनका इलाज चल रहा था. एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा, जो उनकी केयर कर रहे थे उन्होंने उनसे कहा कि मुझे घर ले चलो अपने इस हॉस्पिटल से. उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको घर नहीं जाने दे सकते, आपको हॉस्पिटल में ही रहना होगा. वो ठीक हो रहे थे
वो हॉस्पिटल में ही उनको रखना चाहते थे जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए। उन्होंने बहुत शांति से कहा, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा, थोड़े दिन के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वो स्पष्टता से देख पा रहे थे कि वो जानते थे अपने आप में कि वो अपना शरीर छोड़ देंगे। वो अपने उनको पता था कि मैं वो शरीर अपना हॉस्पिटल में नहीं छोड़ना चाहते थे। वो क्लियरली उनको समझ में आया, वो समझ में आ रहा था, लेकिन दूसरे जो थे वो उनकी बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। तो अगर इसके अलावा तो ये जो इसका फायदा है क्लियरिटी का, हम कई बारी बहुत देर से समझ पाते हैं दूसरे लोग, तो हम आगे अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हम आगे अच्छे तरह से बढ़ सकते हैं उन चीजों को स्पष्ट देखते हुए। किस तरह से करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले स्वयं को समझना है। हमारा जो कम्युनिकेशन है, अपने आप से बातचीत है, वो अच्छी तरह होनी चाहिए। अपने आप को हम साफ तरीके से देख पाए, हमारे इंटेंशंस, हमारे भाव बहुत साफ हो, और हमें ये चीजें जो हैं वो अंतर्मुखता में करनी है। अपने मन को, इमोशन को देखें, बाहर से देखें। हमें साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर हम इस तरह से कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम छोटी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि हम ज्यादा इमोशनली आउटबर्स्ट नहीं हो। तो अपने जो भावनाएं हैं वो उनको देखते हुए हम वो हमें क्लियरली ला सकती हैं। तो हमें जरूरी है कि हम अभ्यास करें कि चीजों को आसपास की देखें, अपने आप को उन अलग से जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनको भी हम अलग होकर के देखें। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम पार्क बेंच पर बैठे हुए हैं, जैसे लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और आप उनको चुपचाप बैठकर देख रहे हैं, इसी तरह से आप अपने मन की स्थिति को करते हैं। आप बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और किस तरह से आप क्या महसूस कर रहे हैं, और तभी आप अपनी परिस्थितियों से डील कर पाएंगे और दूसरों के लिए भी मदद कर पाएंगे। तो अगली चीज है कि अगर हमारे मन में शांति है, स्पष्टता है, तो क्या नॉइस हमारे मन में, क्या शोर हो सकता है? हम सभी जानते हैं कि जो मन जो है बहुत सारा जो है वो व्यर्थ करता है, दुख के सोच करता है, दुखी होते हैं हम उन सोच के, जो हमारी ये नेगेटिव सोच होती है वो हमें कमजोर बनाती है। तो दूसरा स्टॉप है अपने मन को साफ करना उन सोच से, और उसके बाद थोड़े सोच को पैदा करना और ध्यान रखना, अपने आप को ध्यान देने की जो है उस क्षमता को देखना और बढ़ाना। तो जो श्रेष्ठ विचार हैं, अगर हमारी सोच लिमिटेड होती है, उसके अंदर जो है वो स्पष्टता होती है। अगर हमारे अंदर सोच कम होती है, उनमें शक्ति होती है, तो इस तरह से हम जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अपने
अपने थॉट्स को, अपने विचारों को देखने की जरूरत है कि वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं. उस लेवल पर जाकर अगर हम ये जान पाएंगे कि वो कहाँ से उनका पैदा हो रहे हैं, कैसे वो आ रहे हैं, तभी हम उनको अलाउ करेंगे अपने मन में आने का. इसको करने के लिए तो हमें अपने आप को उसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा समझने की आवश्यकता है कि मैं एक शक्ति हूँ. तो अपने आप को समझने के लिए नहीं तो बहुत सारे प्रभाव होते हैं हमारे मन के ऊपर जो पड़ते हैं, जो हमें कमजोर बनाते जाते हैं. तो हमें अपने मन को शक्तिशाली और स्लो डाउन करने की जरूरत है, विचारों को कम करने की जरूरत है, ताकि क्लियर थॉट्स हो और मीनिंगफुल थॉट्स हो जिनका कोई अर्थ हो, कोई प्रेरणात्मक सोच हो. जो स्पष्ट सोच है वो तीर तभी लगता है जब वो बिल्कुल साफ होती है. When there is lack of clarity, जब स्पष्टता की कमी होती है, क्योंकि हमारा ध्यान कम होता है, उसकी वजह से भी स्पष्टता कम होती है. जब हम अपने जीवन में कुछ कार्य शुरू करते हैं और उनको फिनिश खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं या हमारे अंदर अनुशासन नहीं होता. हमारे अंदर बहुत सारे विचार होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. हम कुछ करते हैं लेकिन हमें श्योर नहीं होता कि हमें क्या करना है, तो हमें कोई सफलता मिल नहीं पाती है. अगर हमारे अंदर ये क्षमता नहीं आ पाती है ध्यान रखने की, जो हम मेडिटेशन कर सके, जो मेडिटेशन है वो बहुत ही शक्तिशाली तरीका है अपने आप को देखने का, जानने का, शांति की अवस्था, पवित्रता और खुशी को हासिल करने का. इसको प्राप्त करने के लिए हमें रिलैक्स करना होता है मेंटली और फिजिकली, और कोई भी टेंशन है उसको जाने दें और हम कंसंट्रेट कर पाएं जो भी हम अनुभव करना चाहते हैं. हम एक इम्पोर्टेंट स्टेप मिस कर जाते हैं. एकाग्र करना नहीं हो पाता अगर हमें ये ध्यान रखना नहीं आता, अपना एक ध्यान को लगाना नहीं आता, फोकस करना नहीं आता, तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. अगर हम अनफोकस्ड हैं तो उससे कोई अनुभव हमारे मेडिटेशन में जो आता है, हमें कोई अनुभव नहीं आ पाता जब तक हम फोकस नहीं कर पाते, एक ही चीज पर ध्यान नहीं कर पाते. उसके लिए हमें फोकस होना, अपने थॉट्स को करना जरूरी है, तभी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं. कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए हमें अपने सोच को एक तरफ लगाने की जरूरत है. कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम अपने आप को जितना ज्यादा आप अपने ध्यान को लगाना चाहें उतनी देर अपने आप को एकाग्र कर सके. फोकस का मतलब है एबिलिटी. फोकस का मतलब जो भी व्यर्थ सोच है हम उसको खत्म कर सकें. उसी के बाद ही हम अपनी सोच को, अपने विचारों को कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी भी लक्ष्य के ऊपर. तो फोकस जो है वो बहुत 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 जरूरी है. The time is, तो समय क्या हुआ है? With all this,
हम तैयार होते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं कि जो सच है, सच जो है वो परमात्मा है। तो सबसे ज्यादा जो स्पष्टता है वो समझ में आती है, अपने आप को समझ पाते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं, जब हम परमात्मा की दृष्टि से उनको देखते हैं। ये कोई एक जादू की तरह नहीं है। शुरू शुरू में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो हमें कहा गया था कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ, जहां पर सेंटर था ब्रह्मा कुमारीज का, कि आप वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ चले जाएं, हमें ऐसा कहा गया था। तो हमारा विचार जो था वो बिल्कुल अलग था इससे। फिर हमने डिसाइड किया, हम मेडिटेशन में बैठे, हम इस प्रश्न के साथ अपने मन को हमने अपने पिता से जोड़ा और उनसे पूछा कि हम क्या करें, जो हमने सुना और जो हमें मैसेज मिला हमारे विचारों के द्वारा, वो मेडिटेशन में जब हमें आया तो हम तीन जने थे, हम बैठे थे। जब हमने उसको कंपेयर किया अपने अनुभव को हमने, तो ये पता लगा कि हमें, हम सबकी एक ही सोच जो थी वो सेम थी। एक शब्द, सारे शब्द हमारे एक जैसे थे। और मैं समझती हूँ कि ये सबसे ज्यादा स्पष्टता की हाईएस्ट लेवल है, जिसमें कि सुप्रीम पावर कि वो अपने आप को इतना स्पष्ट तरीके से हमें बता पाते हैं। मुझे पता है कि परमात्मा साफ दिल को पसंद करते हैं, जिसके अंदर भावनाएं साफ होती हैं और स्पष्ट होती हैं। तो हम अपने आप को जोड़ पाते हैं परमात्मा से और उनसे ये स्पष्टता ले पाते हैं, इस सच को ले पाते हैं, ताकि हम इस पूरी परिस्थिति को देख पाएं जिस तरह से वो चीजें हैं। आई थिंक समय को देखते हुए मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सिस्टर ओल्गा, आपके जो अनुभव हमने देखे इसके बाद। हम समय कम है, हम कोई प्रश्न तो नहीं ले सकते। मैं सिस्टर क्लाउडिया वैंकूवर से कहूंगी कि वो आपका, सिस्टर आपका शुक्रिया अदा करें। ओम शांति सिस्टर ओल्गा, बहुत अच्छा लगा आपको सुना। हमने एक अलग नजरिया जो आप हमारे लिए लेकर आई हैं स्पष्टता के बारे में, जब आपने कहा प्रिस्पेसिटी के बारे में, आपने कहा जो कि हमें पास्ट में बहुत ही क्लियरली हम देख पाते हैं, फ्यूचर की पिक्चर बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें दिया। और जब आपने कहा कि मन जो है उसके अंदर मैस नहीं होना चाहिए, कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, साफ होगा तो उस फिल्म में हम देख सकते हैं कि क्या हमें करना है और हमें क्या नहीं करना है। जब आपने कहा कि परमात्मा से जब हमने पूछा कि हम क्या करें, जो क्लैरिटी जो है वो आपके मन में, उसमें कोई मैस नहीं था, वो बिल्कुल क्लियर मैसेज आपको मिला। जब हमारा मन बिल्कुल साफ होता है तो हम क्लियरली चीजों को देख पाते हैं। बाहर की चीजें यदि बहुत सुंदर और साफ नहीं होती, हम उनको देख पाते हैं अपने मन को स्थिर करते हुए।
और आपने कहा कि जो माइंडफुल होना भी बहुत जरूरी है, जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उनको हम हटा दें तब भी हमारे अंदर वो क्लैरिटी आती है कि हम क्या करें। एक आपने और बात कही कि हम देख पाते हैं तभी हमें वो साहस आता है करने का। बहुत ही तरीके से आपने उनको हर चीज को जोड़ करके हमें बताया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। हमारा दिल आपके साथ है, पूरे परिवार का दिल आपके साथ है। हम जानते हैं कि आप बहुत साहसी हैं और पूरे परिवार को साहस देती हैं। जब चीजें बहुत सारी होती हैं परिवार के अंदर, हम नहीं भाग सकते, हमें वहां पर हमें रहने का साहस होना चाहिए। तो वो चीजों को हम देखते हैं। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत अच्छा लगा आपको सुनते। आप सभी के लिए बहुत ही सब कुछ शुभ हो, बहुत सारा प्रेम आप सभी के लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर क्लाउडिया। हम मेडिटेशन में जाने से पहले और ग्रुप फोटो से पहले मैं ये स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहूंगा जो आने वाला प्रोग्राम है। सो क्लैरिटी के बाद हम चलते हैं उमंग और उत्साह की ऊपर, जो कि आगे का वैल्यू है। आने 2 हफ्तों के लिए हमारे साथ होंगी 2 सीनियर राजयोगी सिस्टर होंगी ईस्ट कोस्ट से, डॉक्टर कला जो कि डायरेक्टर हैं पीस विलेज के, और सिस्टर जूडी जॉनसन जो हेलिफैक्स में कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमारे साथ दोनों होंगे इस सुंदर सोच, इस सुंदर बातचीत के साथ सेम टाइम पर। उसके बाद हमारे पास सीनियर हमारे ब्रदर हैं बटर निजार जो हैं जुमा, बहुत ही सक्सेसफुल, वो पूरे उमंग और उत्साह के साथ भरे हुए हैं, हम उनको जानते हैं। FOP फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम के बारे में वो हम उनको जानते हैं उसके द्वारा। बड़े बड़े सिटीज में इन्होंने बहुत ज्यादा सर्विस की है VIPs के लिए। इसके बाद हम वर्कशॉप में ये हम शेयर करेंगे और उसके बाद साइलेंस रिट्रीट होगी उमंग और उत्साह के ऊपर 21 मई को, तीसरा वीकेंड सुबह 8:30 बजे इंडिया के टाइम और शाम को हमारे टाइम। ये हमारा बहुत ही एलिगेंट कैलेंडर है। सिस्टर कोशा को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हम और अनाउंसमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम के लिए। हमारे को बहुत ईमेल और एड्रेसेस मिले हैं तो हम उसको शेयर करेंगे। हमारे पास 5 मिनट हैं, हम मेडिटेशन करेंगे। अगर आप अपना एड्रेसेस भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। omshanti.tk/workshop और इसी तरह से एपिसोड फॉरवर्ड लिस्ट प्लेलिस्ट और /english जो भी आप भाषा में सुनना चाहें, ये सारे प्रोग्राम हैं और ये सारी वेबसाइट हैं जो आप देख सकते हैं। और मैं ये शेयर करना स्टॉप करता हूँ। जैसे कि फोटोग्राफ के लिए बहुत रिक्वेस्ट आती है तो सिस्टर अनु जो है वो शेयर कर सकते हैं और हम मेडिटेशन करेंगे इसके बाद, और हम गैलरी व्यू में जा सकते हैं और सबको देख सकते हैं। थैंक यू सिस्टर ओल्गा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही यथार्थ तरीके से अपने अनुभव से बताया, और हम पिक्चर लेते हैं आपके साथ ताकि हमारे पास ये मेमोरी हमेशा ही रहे। तो ये मेमोरी जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। थैंक यू, मैंने पिक्चर ले ली है तो अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू सिस्टर अनु, मैं चलना है, 12 बज गए हैं तो मीटिंग के लिए। तो थैंक यू सिस्टर ओल्गा, मुझे जाना होगा अब। अनु सिस्टर आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और
Olga, would you take us through a few words, commentary, or just sure. Yes. Sit quietly. Aram se relax hokar baithiye. Our mind from the world around us. Man ko charon taraf se hata le. Bahar ki cheezon se. From the sensations. Let's slow down the speed of our thoughts. अपने विचारों की स्पीड को कम करते हुए और बहुत गहरे चलते हैं हम अपने सार में चलते हैं I look at my heart. मैं अपने दिल को देखती हूँ अपने आध्यात्मिक दिल को देखती हूँ कि मेरा दिल कितना प्योर है There are no selfish desires. जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है Only pure feelings for सिर्फ पवित्र चीजें हैं You elevated love. There are peace and acceptance. What wishes? जिसमें सिर्फ प्यार और acceptance है, स्वीकारता है सभी के लिए. I open my heart to God. मैं अपना दिल जो है परमात्मा के लिए खुला रखती हूँ मैं तैयार हूँ सच को स्वीकार करने के लिए परमात्म लाइट जो है वो मेरे दिल को छूती है मेरे मन को टच करती है और उसको जागृत करती है लाइट से उसे जगाती है उस रोशनी को भरती है मेरा मन और मेरा दिल और मन दोनों ही बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाते हैं Thank you so much, Sister Olga. Thank you so much, Sister Olga. बहुत ही clear और साफ था. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. As Sister Claudia mentioned, we जैसे Sister Claudia ने कहा हम आपके हमारा प्यार हमारे सभी परिवार की तरफ है. हम आपका बहुत बहुत भला चाहते हुए आपको बहुत बहुत good wishes भेजते हैं. आपका शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ में रहने का. Thank you everyone, सबका join करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया